मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने रिप्लाई पे आप ऑनलाइन एजुकेशन कैसे कर सकते हैं आपको मैंने बताया था, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वहाँ से रिस्पॉन्स मिला। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने देखा कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन में, ऑनलाइन टीचिंग में। इसमें अकाउंट कैसे किस तरीके से बनाना है रिप्लाई पे और डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, तो आज मैं इस वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। मेरी अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि प्रीवियस वीडियो देखें रिप्लाई से रिलेटेड, उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा। मुझे कुछ खवातीन ने कहा था कि वो नकाब करके पढ़ाना चाहती हैं तो जो फेस शो नहीं कर सकती हैं वो तो यहाँ पर नहीं पढ़ा सकती हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप फेस शो नहीं करना चाहती हैं तो आप नकाब करके ऑनलाइन ट्यूशन यहाँ पर दे सकती हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन ट्यूशन दे सकती हैं, आप अपनी डीपी लगा सकती हैं, यानी कि जो प्रोफाइल पिक्चर आपको लगानी होगी, मैं आपको बता रही हूँ अकाउंट बनाते वक्त, तो वो आप नकाब करके कर सकती हैं, ठीक है। अपना फेस को छुपा कर आप कर सकती हैं, बस ये है कि आपकी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए और इसके अलावा जो इंट्रोडक्टरी वीडियो जो आप बनाएंगे वो भी आपकी क्लियर होनी चाहिए, वो आप नकाब में भी इजिली कर सकती हैं, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हुज़ैफ़ा फातिमा और मैं अपने चैनल पे आपके लिए टेक्निकल, एजुकेशनल, लर्निंग और अर्निंग के हवाले से वीडियोस बनाती रहती हूँ। विदाउट वेस्टिंग अ मिनट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे डिफरेंट तरीके के आपको इंग्लिश ट्यूटर, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज, अरबिक, हर किस्म के ट्यूटर मिलेंगे। तो जब नीचे आप करेंगे उर्दू ट्यूटर पे, उर्दू ट्यूटर भी आपको शो मोर पे मिलेंगे, तो उर्दू ट्यूटर पे जाके मैं आपको दिखाती हूँ लोग कितने पैसे कमा रहे हैं उर्दू पढ़ा के। $2 एक घंटे के ले रही है ये, तकरीबन दिन में अगर ये 5-6 घंटे भी पढ़ाती होंगी तो $2 को आप कर दें मल्टीप्लाई 6 से, ठीक है। अगर ये $12 भी एक दिन के कमा रही है तो मंथली कितना कमा लेती होंगी आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट आ गई राबिया भी, ठीक है, राबिया भी $7 ले रही है 50 मिनट्स के, तो सोचे मंथली कितना चार्ज कर लेती होंगी। तो ट्यूशन पढ़ाना, क्या आप ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते? आप अपनी उर्दू जुबान नहीं पढ़ा सकते क्या? चले आपको इंग्लिश नहीं आती, छोड़ दें, आप उर्दू भी नहीं पढ़ा सकते क्या? बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ा सकते। एक और एग्जांपल, समीना के $25 कमा रही है ये, $25 अगर ये 5-6 क्लासेस तो आप छोड़ दें, 3-4 क्लासेस भी अगर ये एक दिन में ले लेती होंगी तो आप सोचे उर्दू पढ़ा के कितना कमा रही है ये। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा होगा गेट स्टार्टेड लिखा हुआ दिख रहा है, आप नीचे आ जाए, नीचे आके देखें 32,000 प्लस एक्सपीरियंस ट्यूटर्स यहाँ पे मौजूद हैं। 32,000 प्लस एक्सपीरियंस ट्यूटर के साथ साथ 3,00,000 से ऊपर यहाँ पे 5-स्टार ट्यूटर रिव्यूज मौजूद हैं, यानी कि वो रिव्यूज यहाँ पर वो दे रहे हैं, एक एक चीज, एक एक टीचर को उन्होंने रिव्यूज दिए हुए हैं कि आपने इसको यहाँ से करना है गेट स्टार्टेड पे जाके। यहाँ पे देखिए साइन अप का ऑप्शन दे रहा है, साइन अप करें ईमेल के साथ, फेसबुक या गूगल के साथ। अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप इसमें क्या करें, लॉग इन कर लें, तो आपका ऑब्वियसली सी बात है अकाउंट नहीं बना हुआ होगा तो आपने साइन अप करना है, आप फेसबुक या गूगल के साथ साइन अप कर सकते हैं। तो आपने अपनी आईडी कोई भी सिलेक्ट कर लेनी है, जिस भी आईडी से आपने यहाँ पे ओके करना है, ठीक है। तो अभी आप देखिए मैंने यहाँ पे जैसे लिख दिया हुज़ैफ़ा और नीचे लिख दिया फातिमा, अपने सेकंड नेम पे कंट्री मांग रहे हैं, मेरी ईमेल मांग रहे हैं, कंट्री पे पाकिस्तान लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के यहाँ पे लैंग्वेजेस स्पोकन लिखी हुई है, तो यहाँ पे इंग्लिश लिखी है, इंग्लिश मस्ट है, ठीक है, थोड़ी बहुत तो आपको आती ही होगी तो इंग्लिश तो मस्ट है। इसके अलावा यहाँ पे आपने जो है वो A1, A2, B1, B2 ये मेंशन हुआ है, तो आपने यहाँ पे B2 सेलेक्ट कर देना है। इंटरमीडिएट लेवल की जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो आपको एटलीस्ट आनी चाहिए, तो यहाँ पे B2 आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद देखिए दूसरी लैंग्वेज आप यहाँ शो कर सकते हैं कि आपको और कौन सी आती है। उर्दू मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दी है और उसको नाइफ कर दिया, यानी कि वो हमारी कौमी जुबान है तो हमने इसको नाइफ में सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। नीचे जाते हैं सब्जेक्ट टॉट, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आप पढ़ा चुके हैं, मेंशन कर दिया है, उर्दू भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने जो है वो अपने सर्टिफिकेशन वगैरह और ये एक्सपीरियंस बताने हैं कि आपके पास किस किस चीज का, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है या है तो आपने वो लिख देना है। डिस्क्राइब करना है करंट सिचुएशन, जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कोई कमिटमेंट है या स्टूडेंट है, व्हाटएवर, यहाँ पे कर रही हूं, आई हैव नो अदर कमिटमेंट्स। एज कंफर्म कर लें 18 है तो आपने यहाँ पे जाके कर देना है नेक्स्ट। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, मे बी पॉसिबल आपके पास भी ये मैसेज पॉपअप हो जाए, मैं क्योंकि मेरा थोड़ा सा कनेक्शन स्लो हो गया था मेरे पास मैसेज पॉपअप हुआ, घबराने की जरूरत नहीं है, दोबारा से रीटेक करें, टेस्ट करें, वो क्लियर जो है वो आपको कर देंगे, ठीक है। कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है, नाउ योर इंटरनेट कनेक्शन इज गुड, कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन। आपने अपनी फोटो अपलोड करनी है, ठीक है, फर्स्ट आपका क्लियर हो चुका है, अब आपने फोटो अपलोड करनी है। फोटो आपकी ऐसी तमीजदार होनी चाहिए, जो बात है सिंपली मैं आपको बता रही हूं, आपका बैकग्राउंड भी क्लियर होना चाहिए, या तो ब्लू या तो व्हाइट या ब्लैक इस तरह का, और आपकी जो है सादी सीधी खड़ी हुई पिक्चर होनी, ठीक है। तो उसके बाद तीसरा ऑप्शन आएगा आपके पास टीचिंग सर्टिफिकेशन वाला। टीचिंग सर्टिफिकेशन में अगर आपके पास कोई और टीचिंग सर्टिफिकेशन नहीं है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर है तो वो सारी आपने डिटेल्स में मेंशन करनी है जो ऑलरेडी आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन होगी। यूनिवर्सिटी आपकी डिग्री, डिग्री की आपकी टाइप, स्पेशलाइजेशन, आपने किस साल में पढ़ा, किस साल में आपकी जो है वो डिग्री मिली है आपको, हर एक चीज यहाँ पे आपने अपनी हायर एजुकेशन के हवाले से मेंशन कर देनी है, ठीक है। अगर तो आपके पास कोई पिक्चर है डिप्लोमा वगैरह की तो वो भी आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। अब देखिए यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन, यहाँ प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन आ गई, सबसे मेन चीज जो है वो प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है। बाजू का आपकी
जो है वो अप्रूवल डिक्लाइन हो जाता है बिकॉज कि आपका डिस्क्रिप्शन अच्छा नहीं होता। अब क्या करना है, हमने डिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छे तरीके से समझना है और लिखना है। यहाँ पे आपसे बोला है हेडलाइन लिखें इंग्लिश की, ठीक है। हेडलाइन क्या लिखेंगे आप, क्या आपके स्टूडेंट्स वो देख रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एग्जाम्पल दी यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टिफाइड ट्यूटर विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई एक्सपीरियंस है तो आप लिख सकते हैं सर्टिफाइड ट्यूटर विद 4 year, 3 year और 6 year, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है वो ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। नेक्स्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो अब हमने क्या करना है जी, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि किस तरीके से लिखें, क्या लिखें, समझ ही नहीं आ रहा कितना पैराग्राफ होना चाहिए, कितने वर्ड्स होने चाहिए, तो वर्ड्स तो हैं यहाँ पे, आप इसमें जो है वो 2000 से ऊपर के वर्ड्स यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। 400 मिनिमम है, यानी कि मिनिमम 400 वर्ड्स तो हों आपके डिस्क्रिप्शन में, इतनी डिस्क्रिप्शन तो आपने लिखनी है। अब जो मैं ऑप्शन आपको बताने जा रही हूँ वो एक निहायत ही जबरदस्त किस्म का ऑप्शन है जिसमें आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन से लेकर मेथडोलॉजी तक की हर चीज जो इस आपके पेज में पूछी है आपसे वो सारा मसला सॉल्व हो जाएगा। जहाँ गूगल के दूसरे टैब पे आ जाएं जिसमें आपके पास चैट जीपीटी होगा, चैट जीपीटी का टैब आपने ऑन कर लेना है और मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, ये देखें चैट जीपीटी। आप सबको पता होगा क्या है, टीचर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है। हमें वहाँ पे पूछा गया आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिखें, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट्स के लिहाज से लिखनी है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टीचर डिस्क्रिप्शन फॉर इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको ओके कर देंगे। अब जरा 2 सेकंड आप वेट करें और कमाल देखें, ये आप देख रहे हैं सारा का सारा डिस्क्रिप्शन आपको इन्होंने लिख के दे दिया है, और डिस्क्रिप्शन के साथ साथ मैं आपको बताऊं इन्होंने आपको मेथडोलॉजी भी लिख के दे दी है जो आपसे नीचे पूछेंगे, तो क्यों ना जबरदस्त बात हुई है। बहुत ही आला, बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन है आपके पास जो मैंने आपको बताया, चैट जीपीटी से आपने ये उठा लेना है, ठीक है। ये आपने यहाँ से पिक कर लिया, वैसे तो अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही जबरदस्त है तो आप इसको खुद भी लिख सकते हैं। इसको मैंने पेस्ट कर दिया है, यहाँ पे लिख देते हैं हायर आया मुजफ्फरपुर में लिख देते हैं, और उसके बाद जो बाकी की आपकी डिस्क्रिप्शन है वो एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा डन, चैट जीपीटी से डन हो गया। टेस्ट करें कैमरा, कैमरा टेस्ट करने के लिए आपका मोबाइल अच्छा होना चाहिए जिसका कैमरा अच्छा हो, यानी कि आपको ऑनलाइन ऑब्वियसली सी बात है पढ़ाना है तो आपके स्टूडेंट्स सिर्फ यहीं के नहीं होंगे, डिफरेंट कंट्रीज के भी आपके स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बल्कि मोस्टली डिफरेंट कंट्रीज के ही होते हैं, पाकिस्तान के इतने नहीं होंगे बिकॉज उनको तो उर्दू ऑलरेडी आती है, तो जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस में जो लोग बैठे हैं ऑब्वियसली सी बात है वही अपने बच्चों को उर्दू अगर उनको सिखानी होगी तो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो इसी वजह से जो है उन्होंने कहा है कि आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, साथ में साउंड क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग बोलेंगे ये, इन्होंने पहले आपका कैमरा टेस्ट किया, आवाज टेस्ट की है, अब उसके बाद स्टार्ट रिकॉर्डिंग कह रहे हैं। स्टार्ट रिकॉर्डिंग भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ नहीं हो सकती, तो आपने भी यहाँ पे क्या करना है, अपनी ऑलरेडी अगर आपकी कोई इंट्रो की वीडियो आपने बनाई है उसको यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, छोटी सी इंट्रो की वीडियो जो कि आपकी हॉरिजॉन्टल वे में होनी चाहिए, वर्टिकल में नहीं, ठीक है, तो फिर आपने जो है वो क्या करना है, इस पर लिंक अपना शेयर कर देना है, और अगर नहीं बनी तो आपने करंटली स्टार्ट रिकॉर्डिंग करके इसमें बना लेना है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे सेट योर टाइम जोन, तो आपने यहाँ पे टाइम सेट करना है, ये ऑलरेडी टाइम आपका आ रहा है, अगर घड़ी में आपका टाइम सेट चल रहा हो मोबाइल पे उसको बस आपने यस कर देना है, ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी स्केड्यूल को सेट करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने अपने स्केड्यूल को सेट करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स का पीक आवर्स क्या होता है, पीक टाइम क्या होता है जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो अवेलेबल होते हैं, वो भी आपको ऊपर स्लॉट में बता दिया है, देख लीजिएगा आप अपनी अपने हिसाब से अपनी टाइमिंग्स यहाँ पर सेट कर सकते हैं, 1 घंटे की क्लास में कि कब से कब तक आपने पढ़ाना है, या 2 घंटे की आपकी क्लास हो, व्हाटएवर, आपने टाइम यहाँ पे सेट कर देना है। नेक्स्ट आपको टैब में यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कि अपने डॉलर सेट कर लें कि $4 में आपने पर आवर की क्लास लेनी है, या तो आपने $5 में या $3 में लेनी है, तो मेरी माने तो चार को हटा के 3 कर दीजिएगा, आप चाहे तो 5, 6, 7 भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कितना अच्छा आप पढ़ा रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स आपके साथ एंगेज हो रहे हैं, उसके बाद आपके रिव्यूज कितने हैं, इस हिसाब से आपके डॉलर बढ़ते जाएंगे। स्टार्टिंग में इनिशियल आप 2-3 रख लें तो वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए, ठीक है, कि वो कितना कमीशन लेते हैं। नेक्स्ट पे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा नंबर 8 पे कि डिस्काउंट ले सकते हैं, यहाँ पे 25% डिस्काउंट है इनका, उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का ये दे रहा है ऑप्शन, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आपने कर देनी है। जब आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो इनके पास आपकी जो एप्लीकेशन है, जो आपकी जो अकाउंट है वो सबमिशन के लिए चला जाएगा, जब वो सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो इसमें 1 हफ्ता भी लग सकता है, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, उसके बाद वो आपकी जो है रिक्वेस्ट अप्रूव हुई है या डिक्लाइन हुई है या आपको थ्रू ईमेल पता चल जाएगा, ठीक है, ईमेल के थ्रू भी पता चल जाएगा, आप अपना दोबारा से अकाउंट खोलेंगे तो तब भी आपको पता चल जाएगा। अगर तो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छी गई है, कैमरा अच्छा, आपका डिस्क्रिप्शन अच्छा है, ठीक है, और आप जिस भी सब्जेक्ट पे पढ़ाना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के हवाले से आपने लिखा अच्छा है, तो फिर आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी, टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, जो चीज ये सबसे मेनली चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो देख लिया आपने, अब तो आप ये नहीं कहेंगे ना कि ये बेकार चीज है, बिल्कुल फेक है, हर चीज में मैंने आपको कहा कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, वक्त दरकार होता है, वक्त इन्वेस्ट करें, अपना टाइम इन्वेस्ट करें उस पर, इंशाल्लाह ताला जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपको ऑब्वियसली सी बात है टाइम लग जाता है, तो आप इन्वेस्ट करें आज अपना वक्त यहाँ पे और डेडिकेशन दे, हार्ड वर्क करें, इंशाल्लाह ताला आप भी कामयाब होंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज।